Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. I am Dildar Hashmi, MBBS final year student. तो फ्रेंड्स ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि मैं एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट होने के साथ साथ इतनी सारी चीज यानी ज्यादातर वक्त शायद मैं यूट्यूब पे गुजारता हूँ या फिर मैं अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करता हूँ, क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का इनफैक्ट आप लोग जब फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कम टाइम में कितना लंबा सिलेबस आपको कवर करना पड़ता है. इनफैक्ट फाइनल ईयर और आपका जो है इंटर्नशिप में सबसे ज्यादा वर्कलोड होता है, क्योंकि फाइनल ईयर में आपकी सिलेबस काफी लंबी होती है. आपको मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, ऑर्थो, गायनी और जो है कुछ अदर सब्जेक्ट्स जो है आपको सारे ही पढ़ने हैं. और इनफैक्ट इसके लिए टाइम ज्यादातर स्टूडेंट को 6 से 7 महीने का ही मिलता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है. तो इतने कम टाइम में और फिर साथ साथ यूट्यूब पे काम करना, आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियोस बनाना, हाउ इज दैट पॉसिबल फॉर मी या हाउ डू आई मैनेज ऑल दीज थिंग्स फॉर यू. तो अगर एक सिंपल सा उदाहरण आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा कि हाउ डू आई मैनेज, तो भाई ऐसा है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, एक्चुअली अगर आप एक चीज देखेंगे, आज से 3 दिन 4 दिन पहले जितने वीडियोस मैंने डाले होंगे आप देख रहे होंगे कि एक ही शर्ट एक ही पोजीशन, एज सच यही है. मतलब मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे हैं, मैं वही शर्ट पहना हूँ, वही वॉच पहना हूँ. और मतलब जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अभी, तो आज मैंने अभी मैंने 4 वीडियोस अभी रिकॉर्ड करे हैं आप लोगों के लिए, कि ये वीडियोस आगे के टाइम पे मतलब नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए आती रहेंगी. कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट बनानी पड़ती है, जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव होती है, जैसे काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आया जो एस सच उसी टाइम पे शेयर करनी होती है. तो हो सकता है मैं जो भी चीजें कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा रोक करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, फिर वो एस सच अपलोड करके फिर अपने काम पे जाता हूँ. तो एक तो ये है कि दिस इज हाउ आई मैनेज. एंड दूसरा चीज, अभी अगर आप देखेंगे तो इस घड़ी पे आप टाइम देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो प्रॉपर, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का, तो 2:30 बज रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, राइट. और मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, है ना. तो बहुत लोग सो गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में मिलेगी या इवनिंग में मिलेगी. तो इतने टाइम होने के बाद, मतलब मैंने अभी प्रॉपर स्टडी करी है, जितना टाइम मुझे उधर लगाना था मैंने स्टडी करी, उसके बाद मैंने टाइम निकाला कि जब मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, अब मेरा मन हो रहा है कि भाई सो जाता तो अब प्रॉपर मैं ऑब्वियसली सो जाता, क्योंकि बहुत रात के बाद में एक सिचुएशन आ जाता, आदमी नहीं पढ़ पा रहा होता है. तो 2:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, कि अभी भी जो मेरा बेड है मैंने वहां पे अपने बुक्स लगा रखे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ एज सच. या मेरा स्टडी टेबल भी है, यहाँ पे भी सारे बुक्स एज सच फैले हुए हैं, जो मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ कि मैं एज सच अभी आप लोगों के लिए यहाँ बैठे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और ये मेरा जो है बेड है नीचे ही लगा हुआ है. इनफेक्ट मैं दिखाना नहीं चाहता था, देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसे ही है सच. एनाटॉमी की बुक्स मैंने रखी थी, क्योंकि जूनियर्स के लिए कुछ वीडियोस के बारे में सोचना था, मुझे बनाना था. और वो मेडिसिन की बुक है जो मैं अभी पढ़ रहा था, राइट. तो ऐसे ही है, वहां से उठ के बस यहाँ पे मैंने सेट किया है और अभी मैं इस पोजिशन पे बैठा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो एक तो ये आप लोग देख सकते हैं, अब मुझे फिक्स भी करना है इसको थोड़ा सा, राइट. तो कुछ इस तरह से कि जब जो काम कर रहा होता हूँ वो मैं अपना खुद करता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मुझे खाली टाइम मिलता है या फिर जब पढ़ाई का मूड नहीं होता है और कुछ चीजें जो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए फायदा हो जाए, तो वो चीजें मैं ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों के लिए बनाता हूँ. तो दूसरा तरीका ये है. तीसरी चीज ये है कि जो मेरा मेन फोकस है अपनी स्टडीज को लेकर के है, और मैं पूरा प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ तो इनफेक्ट मुझे कुछ करना होगा. और मैंने अपने पेरेंट्स का, मेरा पेरेंट्स का विश्वास मेरे ऊपर है कि मैंने जैसे भी तैयारी करी अभी जिस पोजीशन पे हूँ, इस पोजीशन को मुझे काफी अच्छा करना है. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे मेरे नाम से जाने और मेरे काम से जाने, तो इसलिए शायद इतना मेहनत कर रहा हूँ अभी. और आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह से अपनी चीजों को मैनेज करते हुए
मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं और अपनी स्टडीज को मैनेज करते हुए एक एग्जांपल सेट कर सकूं, ताकि आप लोग भी आगे चल के कहीं ना कहीं मोटिवेट हो सकें। तो अभी फिलहाल भाई 2:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके फिर से और मैं अभी स्टडीज पे जाऊंगा, कुछ देर मैं स्टडीज करूंगा, फिर इसके बाद मैं आराम से सो जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही चलता रहता है कि क्लासेस जाने हैं, हॉस्पिटल जाना है, तो दिन भर उधर हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस, उसके बाद में फिर अपनी स्टडीज पे आना, और फिर ऐसा जो बाकी टाइम है वो मैं आप लोगों के लिए एक ये ऐसे ही छोटा सा बना हुआ है। आगे अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला और आगे कुछ अच्छी चीजें और बहुत सारी चीजें करना चाहता हूं, तो सपोर्ट अगर आप लोगों का रहेगा तो बिल्कुल आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे। और आप लोग भी अच्छे से अपना स्टडीज कीजिए, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिए, अच्छे से पास कीजिए, कि आपके पेरेंट्स ने इतना आपके ऊपर में फेथ दिखाया है तो आप उस फेथ पे खड़े उतरे, उनको ना उम्मीद ना करें। और ऐसा जब कुछ अच्छा करने का होगा, जब मौका मिलेगा तो जरूर करके दिखाइए, ताकि आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स भी आप पे प्राउड हो सके। इनफैक्ट उनके प्राउड होने से पहले पहले एटलीस्ट आप अपना ऐसा कीजिए कि आपको अपनी चीजें करने के बाद में रिग्रेट नहीं हो। क्योंकि काफी लोग, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मुझे ये भी कहते थे कि भाई ये क्या मतलब स्टार्ट किया है, क्या है ये, बकवास कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है या फिर सिर्फ YouTube पे ही टाइम दे रहा है, मतलब भाई कैसे कर लेते हो ऐसे इतना सारा। बहुत सारी क्वेरीज होती है, इनफैक्ट मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे थे कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो इतनी सारी चीजें। तो लाइफ में मैनेज सब कुछ हो जाता है, करना पड़ता है। आप अपने तरीके से अपना शेड्यूल बनाइए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए और सारा चीज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दैट हाउ डू आई मैनेज, आई मैनेज एवरीथिंग विद माई स्टडीज एंड ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ सो दैट आई कैन बी द एग्जाम्पल फॉर समवन एंड आई कैन बी द होप ऑफ समवन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।